से मेरा नाम ऋषभ है, आप सभी का टिक टू गैजेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करूंगा आप रेडमी नोट 3 के बारे में, जिसमें इसमें आप अपडेट करने के बाद कुछ भी फीचर आप जैसे आप पहले के जैसा नहीं आप यूज कर रहे हैं इस तरह का दिख रहा है। तो इस वीडियो में आज कुछ इसके बारे में बताऊँगा कि आपको नए फीचर के बारे में कि इसमें कैसा चेंज आप कर सकते हैं, कुछ पहले के हिसाब से आप इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके बाद आपको सबसे पहले सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इस तरह का, यहाँ पे देखिए जाने से जाने के बाद नोटिफिकेशन बार पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आपको ऊपर में सबसे ऊपर में आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको कि मेन्यू बटन आपको पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन बार दिख गया, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए पहले जैसा था उस हिसाब से यहाँ पे आ गया है। तो ये आपको यहाँ पे आपको बताना था कि ये देखिए इस तरह का आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पहले ही ये अच्छा लग रहा था, अब इस हिसाब से नोटिफिकेशन इस साइड से आप ऐसे यूज कर सकते हैं, तो इस हिसाब से आप देखिए कर सकते हैं। बारीक काफ़ी अच्छा हमको ये लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बता दूँ और कुछ यहाँ पर शो करना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डेटा स्पीड के बारे में यहाँ पर केवी बता देगा। उसके बाद यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में ये क्या बोलते हैं, ये अगर आप टेलीफोन का यहाँ पे सेव दिखाना चाहते हैं यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, अगर दिखाना चाहते हैं तो देख चेंज हो सकता है, देखे होंगे आपको, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे बैटरी अगर बैटरी पे जाइए, अगर बैटरी के लेवल आपको यहाँ पर चेंज करना है जैसे परसेंटेज में चेंज करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अगर इसमें लेवल में करना है तो ये देखिए लाइनिंग सा आपको यहाँ पर धुंधला दिख रहा है, बैटरी का लैब नहीं दिख रहा है। देखिए इस तरह का बैटरी पे यहाँ पे देखिए कई जगह इस तरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको तीन हिसाब से आपको यहाँ पर बैटरी का दिखता है, यहाँ पर इस तरह का आप चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जाइए तो आपको यहाँ पर यह सब मिल जाएगा। उसके बाद टच पैड करना चाहते हैं तो इस तरह का, तो इस तरह का यहाँ पर ऐसे अपना ये अपना यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आपको बता दो यहाँ पर अगर आप कोई एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशन आपका डाउनलोड किए हुए अगर आपका यूज नहीं चल रहा एप्लीकेशन तो आप इस तो जैसे आप कोई थर्ड एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखे हुए आपका ये एप्लीकेशन नहीं चल पा रहा है तो ये परमिशन है, इसे परमिशन में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। परमिशन में तो यहाँ पे देखिए आपको परमिशन यहाँ पे ऑटो अलाउ करने बोलेगा, तो परमिशन में ये देखिए जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे होंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन का आ जाएगा थर्ड एप्लीकेशन जो भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा अलाउ, जैसे जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं तो आपका नहीं चल रहा है तो उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दीजिए, उसका एप्लीकेशन का यहाँ पर आपको चलना चालू कर जाएगा, आप यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन। और इसे बाद में देखिए यहाँ पे नहीं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन अगर सोचेंगे कि आप यूज करना तो यूज नहीं कर सकते। जैसे आपको ये एप्लीकेशन है तो इसको क्लिक करके ऑन कर लीजिए, अगर और नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर बंद करके इस तरह का आपको यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बात इसके बाद रेडी में हमको पता चला है कि इसके बारे में आप इसे चेंज कर सकते हैं कुछ, तो ये सब सारा चीज़ है एप्लीकेशन का। और उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज में डबल स्पेस तो आपको पता ही होगा कि डबल स्पेस कर सकते हैं, जैसे मोबाइल को आप डबल स्पेस कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डबल हिसाब से डबल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। बस रेडमी नोट 3 के बारे में बस ये मेरा फीचर बताना था, बस इस वीडियो में बस यही बताना था इस रेडमी नोट 3 के बारे में कि मैं इस तरह का ये कुछ चेंज अपडेट में देखा था कि मैं कैसे चेंज होता है, बस ये आपको बताना था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का रोजाना वीडियो टिप्स एंड ट्रिक लाते रहते हैं चैनल पर। अगर आप कोई भी सवाल सुझाव पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।